पोस्ट DMRC रिजल्ट फॉर JEE मैकेनिकल ऑन 28/6/2018। तो जैसा कि अनुमान था कि 1/1 ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट इसमें 17 तारीख को दिया है और 10, 12, 13, 14 पहले आपने देख रखा होगा बुक हुआ था JEE इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ ऑप्शन यही बच रहा था कि आगे वाले डेट मिलेगा, यानी 17 के बाद से 18, 19, 20, 21 हो सकता है JEE सिविल का होगा, उसके बाद आगे वाले डेट में मेंटेनर का रिजल्ट आएगा। तो लोगों की बहुत सारी उम्मीद है। तो इसमें कैंडिडेट 87 को कॉल किया गया है और सभी लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17/7/2018 का है और रिजल्ट आप देखेंगे तो उसमें एक चीज कॉमन सी लिखी हुई है सभी में कि आप अगर मेडिकली फिट होते हैं तो 5 दिन के लिए आपको दिल्ली में स्टे करने के लिए मेडिकल के लिए रखना है कम से कम, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड के लिए भी भेजा जा सकता है, यानी ज्वाइनिंग डेट आपको सेम के सेम होगा। तो चलिए आप वीडियो में भारतीय रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को आप सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव PLP चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टेशन की टाइमिंग है 9 बजे और स्थान है DMRC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शास्त्री पार्क दिल्ली 53। इसका लोकेशन में नियर में है ISBT कश्मीरी गेट बस अड्डा और जमुना ब्रिज पे। इसके बाद इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है, लेकिन A3 से बिलो नहीं होना चाहिए। साथ में इसमें डॉक्यूमेंट के लिए बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो पहले सभी में लग रहे थे, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट लगाना है, डिप्लोमा और डिग्री है वो लेके आपको आना है, साथ में फोटो कॉपी सारे के लाने हैं जिसमें सेल्फ वेरीफाई हो। ओबीसी SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप ये सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में पासपोर्ट साइज 5 से 6 जरूर ले लीजिएगा। साथ में आपको इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है पैन कार्ड प्लस आधार कार्ड की कॉपी, ये भी रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद लास्ट में एक करेक्टर और आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट ये भी जरूरत है। तो इतनी डॉक्यूमेंट साथ में इसके फोटो कॉपी जरूर रखिएगा। और 4 से 5 दिन मेडिकल का टाइम दिखा गया है कि 4 से 5 दिन नॉर्मल मेडिकल में आपको टाइम लग सकता है, तो दिल्ली में स्टे करने के लिए आपको। वीडियो में जो रिजल्ट के बाद आई थी तो उसमें 2-3 लोगों का क्वेरी था, एक करेक्टर सर्टिफिकेट कहां से बनाए, तो करेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट स्टडी से बनता है या कोई गजेटेड ऑफिसर होता है उनसे बना सकते हैं, और फॉर्मेट आपके रिजल्ट के नीचे दिया हुआ है। ओबीसी की फॉर्मेट के बारे में कई लोगों पूछा है तो ओबीसी के बारे में बता दूं कि ओबीसी का फॉर्मेट आपको स्टैंडर्ड इसमें दिया हुआ है, नीचे आप देख लीजिएगा कि इस टाइप के फॉर्मेट हमें करना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद इसमें सेंट्रल का फॉर्मेट होता है वो स्टेट का बनता है, लेकिन सेंट्रल का परफॉर्मा होता है वो आपको मिला लेना चाहिए। तीसरी समस्या लोगों के साथ है पैन कार्ड का, तो स्टूडेंट लोग के पास पैन कार्ड की एक प्रॉब्लम होती है, तो पैन कार्ड आप बनवाने के लिए तत्काल में दे दीजिए, अभी आपको 15 से 20 दिन टाइम है, शायद आपका बन भी जाए, अगर नहीं बने तो आप उसकी स्लिप लेके मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेडिकल फॉर टेस्ट आ जाइए वहां पे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हमारा ये अभी प्रोसेस में है, जब बन जाएगा तो हम जमा कर देंगे, हो सकता है कि आपको अंडरटेकिंग देने के लिए कहा जाए। थैंक यू, धन्यवाद।